टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G, टेक्नो पोवा 4 वर्सेस टेक्नो पोवा 3 कंपैरिजन अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो गाइस मेरे हाथ में है यहाँ पर टेक्नो पोवा सीरीज के 3 स्मार्टफोन्स, टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G, टेक्नो पोवा 4 एंड टेक्नो पोवा 3। इन तीनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे साइड बाय साइड। और यहाँ पर अगर आप इन तीनों स्मार्टफोन्स में से कोई एक स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो लेकिन आप कन्फ्यूज हो कि कौन सा आपको लेना चाहिए, तो वीडियो के एंड तक आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है गाइस टेक्नो का पोवा 5 प्रो 5G जो कि 15,000 रुपये का स्मार्टफोन है। यह स्मार्टफोन आपको दो वेरिएंट में मिलता है, एक 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, और उसके बाद दूसरा है 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। तो ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ में आता है, 15,000 रुपये का स्मार्टफोन है। इसमें 5000mAh की बैटरी आती है, 68W का चार्जर आता है, MediaTek का प्रोसेसर है 6080, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 50MP का AI ट्रिपल कैमरा आता है। सेकंड जो स्मार्टफोन है गाइस ये टेक्नो की तरफ से लॉन्च हुआ था पिछले साल, टेक्नो पोवा 4 का स्मार्टफोन, और ये आपको एक ही वेरिएंट में मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो स्मार्टफोन है गाइस ये मैंने परचेस किया था 13,000 रुपए में, 12,500 से 13,000 रुपए के बीच में इसका प्राइस है। और ये 4G स्मार्टफोन है टेक्नो पोवा 4 का, इसमें मीडिया टेक का प्रोसेसर आता है हेलियो G99, 6000mAh की बैटरी आती है, 18W का चार्जिंग सपोर्ट आता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट आता है, 50MP का AI ट्रिपल कैमरा आता है, और ये स्मार्टफोन आपको 12,000 से 13,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। देन इसके बाद है यहाँ पर एक और स्मार्टफोन टेक्नो का जो पोवा सीरीज का 3 है स्मार्टफोन, टेक्नो पोवा 3 वाला स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन मैंने परचेस किया था 12,000 रुपए में, इसमें आता है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज अवेलेबल है, इसमें 7000mAh की बैटरी आती है, 33W का चार्जर आता है, MediaTek का प्रोसेसर आता है हेलियो G88 का प्रोसेसर, और यहाँ पर 6.9 इंच का डिस्प्ले आता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट और 50MP का AI ट्रिपल कैमरा आता है। तो सबसे पहले आप ओपन करते हैं टेक्नो का पोवा 5 प्रो 5G। जैसे आप स्मार्टफोन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ये वाला स्मार्टफोन, और ये आपको दो कलर्स मिलता है, ब्लैक और सिल्वर, लेकिन सिल्वर कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। एंड उसके बाद जैसे आप बॉक्स के नीचे देखते हो यहाँ पर मिलता है एक सिलिकॉन बैक केस जो कि एकदम जिसका क्वालिटी आपको डिसेंट देखने को मिलेगा, एकदम अच्छे क्वालिटी के साथ में आता है। देन इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर मिलता है 12th मंथ का वारंटी कार्ड एंड यूजर मैनुअल्स। एंड यहाँ पर गाइस टेक्नो पोवा सीरीज का ऐसा फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें 68W का चार्जर आता है, और इसे अगर आप इस स्मार्टफोन को चार्ज करते हो तो नियरली ये आपका एक घंटा 55 मिनट्स to 1 आवर के बीच में आपका ये टाइम कंज्यूम करेगा पूरा 100% चार्ज होने के लिए। एंड इसके बाद इसके अंदर आता है टाइप सी केबल। इसके बाद ये जो बैक कवर है यहाँ पर आप देखोगे इस स्मार्टफोन में बैक साइड में यहाँ पर मिलता है एक RGB लाइट, ये जो कटआउट्स आपको दिख रहे हैं इसमें आपको RGB लाइट देखने को मिलता है। ये पोवा सीरीज का ऐसा फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें आपको RGB लाइट्स मिलते हैं। एंड देन यहाँ पर इसका बैक कवर है, जैसे आप इस पर अप्लाई करते हो इसका जो लुक है ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरा पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन के लिए प्रॉपर ऑप्शन एंड कटआउट्स यहाँ पे दिए गए कवर अप्लाई करने के बाद। और ये इसका लेफ्ट साइड का पोर्शन ऊपर में आपको स्पीकर की तरफ मिल जाता है, ऊपर और नीचे दोनों साइड में स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब आ रही यहाँ पर यह सेकंड वाला स्मार्टफोन जो कि टेक्नो का पोवा 4 स्मार्टफोन है, इसे जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पर ये हमारा टेक्नो पोवा 4 है, और ये एक तरीके से आपको टेक्नो पोवा 3 के कंपैरिजन में थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। इसके अंदर मिलता है यहाँ पर एक सिलिकॉन बैक केस मिलता है जो कि नॉर्मल क्वालिटी के साथ में आता है, सिलिकॉन है पूरा का पूरा। जब आप इसे मोबाइल पर अप्लाई करते हो तो मोबाइल का लुक आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के लिए सारे ऑप्शन एंड कटआउट्स यहाँ पर भी परफेक्ट तरीके से दिए गए, ऊपर की तरफ कोई भी स्पीकर्स नहीं मिलता है। देन इसके अंदर आता है ये एक 18W का चार्जर, ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट लगा, इसमें 6000mAh की बैटरी आती है, तो इस स्मार्टफोन के हिसाब से इसमें 33W का चार्जर एटलीस्ट मिलना चाहिए, बट ये 18W का चार्जर मिलता है टेक्नो पोवा 4 में, और ये इसका नेगेटिव है। तो इसके साथ में एक टाइप सी केबल आता है। देन उसके बाद यहाँ पर 12th मंथ का वारंटी कार्ड मिलता है इसके अंदर, एंड देन उसके बाद सिम टूल किट इसके अंदर देखने को मिलता है। इतनी सारी चीज़ें आपको बॉक्स में मिलती है टेक्नो पोवा 4 की। तो अब यहाँ पर ये टेक्नो पोवा 3 को ओपन करने के, तो अब तक मैंने टेक्नो पोवा 4 और टेक्नो पोवा 5 बताया था, अब इसके बाद यहाँ पर टेक्नो पोवा 3। ये है टेक्नो पोवा 3 का एक्जैक्टली लुक, इसमें भी आपको दो कलर्स मिलता है ब्लैक और सिल्वर, लेकिन सिल्वर कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। और ये जो टेक्नो पोवा 3 है गाइस इसमें अब तक का सबसे बिगेस्ट बैटरी है पोवा सीरीज का जो कि 7000mAh की बैटरी के साथ में आता है। ये स्मार्टफोन 12th मंथ का वारंटी कार्ड आता है, उसके बाद इसके अंदर आता है 33W का चार्जर, एंड देन इसके बाद एक टाइप सी केबल आता है। दैट्स इट, इतनी सारी चीज़ आपको बॉक्स में देखने को मिलती है। तो ये है गाइस हमारे तीनों स्मार्टफोन टेक्नो पोवा 5 प्रो, पोवा 4 एंड पोवा 3। तो एक बात से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ गाइस कि अब तक का पोवा सीरीज का जितना भी सारा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो सब में टेक्नो पोवा 5 का जो 5 सीरीज़ का जो लुक एंड डिज़ाइन है वो आपको अब तक का सबसे बेस्ट देखने को मिलेगा। टेक्नो पोवा 1, टेक्नो पोवा 2, टेक्नो पोवा 3, टेक्नो पोवा 4 के कंपैरिजन में टेक्नो पोवा 5 प्रो में आपको लुक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऐसा पोवा सीरीज़ का स्मार्टफोन है जिसमें बैक साइड में RGB लाइट्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे टेक्नो पोवा 5 प्रो। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन का ऑप्शन है, पावर बटन का ऑप्शन है, नीचे की तरफ यहाँ पे स्पीकर है एंड ऊपर की तरफ भी यहाँ पे स्पीकर आता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक मिलता है, लेफ्ट साइड भी यहाँ पे सिम स्लॉट मिलता है जिसके अंदर आप यहाँ पर दो सिम कार्ड
और एक मेमोरी कार्ड को इसके अंदर यूज़ कर सकते हो टेक्नो पोवा 5 प्रो में। उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला स्मार्टफोन जो कि टेक्नो पोवा 4 है, इसमें राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन का ऑप्शन है। स्पीकर्स इसमें नीचे की तरफ मिलता है, ऊपर की तरफ कोई भी स्पीकर नहीं मिलता है। चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक और यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिम स्लॉट्स मिलते हैं जिसके अंदर आप इजिली 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इसके अंदर भी आप इजिली यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको सिम स्लॉट का साइज ऐसा देखने को मिलता है। तो मैं टेक्नो पोवा 4 के परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। इसमें एक तरीके से बैटरी ज़्यादा है लेकिन चार्जर कम आता है, तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगता है जब भी मैं टेक्नो पोवा 4 को यूज़ करता हूँ मेरे पर्सनली बेसिस पे। दैट्स इट। एंड देन उसके बाद यहाँ पर है ये टेक्नो पोवा का टेक्नो पोवा 3। अभी का इसमें स्मार्टफोन को अब तक यानी कि लास्ट 2 साल से एज अ परमानेंट स्मार्टफोन इसको यूज़ कर रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द इसमें बैटरी ज़्यादा आता है, 7000 mAh की बैटरी और 33 W का चार्जर आता है। तो ऐसे में ये स्मार्टफोन मुझे काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देता है, तो इसलिए मैं स्मार्टफोन को इतने टाइम से एक एज अ परमानेंट स्मार्टफोन एज अ यूज़ कर रहा था। यहाँ पर राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, पावर बटन का ऑप्शन है और स्पीकर्स आपको डबल मिलते हैं नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर स्पीकर्स मिल जाते हैं। चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक मिलता है। लेफ्ट साइड में सिम स्लॉट है जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इसके अंदर इजीली यूज़ कर सकते हो। तो क्या जैसे आप तीनों स्मार्टफोन का सेटअप प्रोसेस आप कंप्लीट करते हो, स्मार्टफोन का जो लुक है वो आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे टेक्नो का पोवा 5 Pro 5G, इसका UI सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू टेक्नो पोवा 4 और टेक्नो पोवा 3 के कंपैरिजन में। ये टेक्नो पोवा 5 प्रो का जो UI है पूरा का पूरा डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप जब इसके सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको माई फोन्स के ऑप्शन में इतने सारे सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। तो टेक्नो पोवा 5 प्रो में आपको एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलता है, फ्रंट पे 16 MP कैमरा आता है, मीडियाटेक का प्रोसेसर डायमेंसिटी 6080, 50 MP का AI ट्रिपल कैमरा एंड उसके ड्यूअल कैमरा आता है, 16 MP का फ्रंट कैमरा, 8 GB का रैम आता है, 8 GB आप एक्सपांड कर सकते हो और इसमें 5000 mAh की बैटरी आती है। देन इसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला स्मार्टफोन है टेक्नो का पोवा 4 एंड टेक्नो पोवा 4 में आपको फीचर्स थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसमें आपको एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, मीडियाटेक का प्रोसेसर हीलियो G99 का प्रोसेसर, फ्रंट पे 8 MP कैमरा, 50 MP का डुअल कैमरा, 8 GB का आपको रैम मिलता है, इसके अंदर 5 GB आप एक्सपांड कर सकते हो स्मार्टफोन में। एंड इसके बाद 128 GB का स्टोरेज आता है, 6000 mAh की बैटरी आती है। उसके बाद यहाँ पे ये टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 स्मार्टफोन जो करंटली अभी मैं एज अ परमानेंट स्मार्टफोन यूज़ करो, इसके पीछे रीजन एक है वो है इसका बैटरी, बिकॉज ये बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है और इसका डिस्प्ले साइज भी बड़ा मिलता है। तो इसमें भी आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिलता है, मीडियाटेक का प्रोसेसर हेलियो G88 का मिलता है, फ्रंट में 8 MP 50 MP बैक कैमरा, 6 GB का रैम है, 5 GB एक्सपांड कर सकते हो, 128 GB का स्टोरेज है, 7000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। अब यहाँ पे गाइस इन तीनों स्मार्टफोन का कैमरा चेकआउट करते हैं कि अगर आप इन तीनों स्मार्टफोन का कैमरा में क्या क्या सेटिंग्स मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे ये जो टेक्नो का पोवा 5 Pro 5G है, इसमें आपको सिनेमैटिक वीडियो आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो मोड में आप इसमें मैक्स टू मैक्स 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 2K 30 FPS तक का सपोर्ट है। AI कैमरा मिलता है, ब्यूटी पोर्ट्रेट सुपर नाइट मोड मिलता है और उसके बाद अगर आप इसमें टैप करो ओवरऑल सेटिंग्स पे तो यहाँ पर आप डुअल वीडियो, स्काई शॉप, स्लो मोशन, शॉर्ट वीडियो, सिनेमैटिक वीडियो इजिली इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इसके बाद बारी यहाँ पर टेक्नो पोवा 4 का कैमरा चेकआउट करने के। तो इसमें आपको टेक्नो पोवा 4 में कोई भी सिनेमैटिक वीडियो आपको नहीं मिलता है, इसमें आप शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो मोड में आप जाओगे तो इसमें आपको 2K 30 FPS तक का सपोर्ट मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग का। AI कैमरा, ब्यूटी पोर्ट्रेट सुपर नाइट मोड एंड उसके बाद इस पर टैप करो तो कैमरास में इसमें आपको सेटिंग्स कम देखने को मिलते हैं लेकिन स्लो मोशन शॉर्ट वीडियोज आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर टेक्नो पोवा 3 का चेकआउट करने की। टेक्नो पोवा 3 में आप जाओगे तो इसमें भी आपको कोई भी सिनेमैटिक वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें आपको शॉर्ट वीडियोज का ऑप्शन मिलता है। एंड उसके बाद इसमें आप वीडियो में जाओगे तो आप इसमें 2K वीडियो इसके अंदर इजिली रिकॉर्ड कर सकते हो, 2K 30 FPS तक का सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। AI कैमरा, ब्यूटी पोर्ट्रेट सुपर नाइट मोड एंड उसके बाद इस पर अगर आप टैप करो तो इसमें आपको कैमरास के इतने सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। स्लो मोशन प्रो मोड भी आपको मिलता है, टाइम स्लैप शॉर्ट वीडियोस आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे गाइस इन तीनों स्मार्टफोन में साउंड क्वालिटी टेस्ट आउट करने के बारे में। वैसे गाइस साउंड क्वालिटी में मैं ज्यादा रिव्यूज करूंगा नहीं बिकॉज तीनों स्मार्टफोन का साउंड क्वालिटी के बारे में मैं ऑलरेडी अवेयर हूं, मुझे पता है कि तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन का साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर मिलेगा। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए एक मैं बेसिक टाइप का आपको क्वालिटी सुना देता हूं। सबसे पहले प्ले करता हूं मैं तीनों स्मार्टफोन में, बस टेक्निकल गुरुजी का एक वीडियो प्ले करूंगा बिकॉज इनका ऑडियो क्वालिटी ज्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्ले करने वाले ये जो टेक्नो का पोवा 5 प्रो 5G है, इसमें प्ले हमें प्ले करते हैं। पैसा है मतलब पोटेंशियल उसे बहुत है और ऐसे में किसी 5 लाख फॉलोअर्स तो वैल्यू और ज्यादा हो गई है। तो जो स्कैमर्स हैं ये चाहते हैं कि इन अकाउंट्स को चुराया जाए। अब क्योंकि मेहनत करके पहुंचने में 5 लाख फॉलोअर्स से बहुत टाइम लगता है, लेकिन इनको अगर समझ लो एक अकाउंट का रेडी मिल जाए, आईडी पासवर्ड इसको बार बार चेंज कर ले और तुरंत एक 5 लाख फॉलोअर्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट रेडी है उनके पास में कुछ भी नया स्कैम करने के लिए। तो टारगेट इज दे वॉन्ट टू हैक इन टू पीपल्स अकाउंट्स जहां पर उनके 15,000-10,000 के। तो यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी आपको मिलता है टेक्नो पोवा 5 प्रो में, वो ऊपर की तरफ एंड नीचे के स्पीकर से दोनों साइड से आपको 50-50% का साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है और साउंड क्वालिटी इसमें आपको डिसेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे प्ले करते हैं ये जो टेक्नो का पोवा 4 है, इसमें साउंड क्वालिटी आप देखते हैं बड़े आराम से। अब क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप सोचे कि किसी अकाउंट पे मान लीजिए 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो उस अकाउंट की एक वैल्यू तो है क्योंकि वो अकाउंट 1 लाख लोगों से जुड़ा हुआ है, 1 लाख लोग जो है वो। तो यहाँ पे आप
क्यूटली नोटिस कर पा रहे होगे कि टेक्नो पोवा 4 में साउंड क्वालिटी आपको कम मिलता है टेक्नो पोवा 5 प्रो की कंपैरिजन में, बिकॉज मैं स्मार्टफोन को यूज भी कर रहा हूँ काफी टाइम से। अब यहाँ पे प्ले करते हैं टेक्नो पोवा 3। नंबर है यूजर्स का इंस्टाग्राम पे, ये स्कैमर्स के लिए समझ लो एक गोल्ड माइन है और यहाँ पे वो लोगों को फंसा सकते हैं बड़े आराम से। अब क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप सोचे कि किसी अकाउंट पे मान लीजिए 1,00,000 फॉलोअर्स है, तो यहाँ पे गाइस अगर मैं साउंड क्वालिटी के बारे में कहूँ तो फर्स्ट नंबर पे यानी कि बेस्ट साउंड क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा बेटर टेक्नो पोवा 5 प्रो में मिलेगा। इसमें साउंड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है टेक्नो का टेक्नो पोवा 3। इसमें साउंड क्वालिटी आपको टेक्नो पोवा 4 के कंपेयर में ज़्यादा देखने को मिलता है एंड टेक्नो पोवा 4 में आपको साउंड क्वालिटी कम मिलता है दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। तो साउंड क्वालिटी के मामले में जो विनर है वो है टेक्नो का पोवा 5 प्रो। अब गाइस यहाँ पे प्ले करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम एक 4K वीडियो और इनका 4K वीडियो को क्वालिटी टेस्ट आउट करते हैं कि आपको 4K क्वालिटी क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देखोगे टेक्नो का पोवा 5 प्रो, इसमें अगर आप 4K वीडियो को प्ले करते हो तो इसमें जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में विच इज अराउंड 2K 4K वीडियो, यानी कि इसमें आपको 1440 पिक्सल्स का सपोर्ट देखने को मिलता है अगर आप इसमें कोई भी 4K वीडियो प्ले करते हो तो। इसमें आपको एग्जैक्ट 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है सेम वीडियो में। अब यहाँ पर ये सेम वीडियो में टेक्नो पोवा 4 में भी प्ले करूँगा, इसमें भी आपको जो साउंड जो वीडियो क्वालिटी है वो सेम टू सेम देखने को मिलेगा विच इज अराउंड 1440 पिक्सल्स, इसमें भी सेम टू सेम यही शो करता है। उसके बाद है यहाँ पर टेक्नो का टेक्नो पोवा 3, इसमें अगर आप 4K वीडियो को प्ले करोगे तो हाईएस्ट क्वालिटी आपको देखने को मिलता है विच इज़ अराउंड 2K क्वालिटी, इसमें भी आपको मैक्स टू मैक्स 2K का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो कोई भी 4K वीडियो अगर आप प्ले कर लो इन तीनों स्मार्टफोन में आपको 2K का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस अब आ रही है कि आपको तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। वेल मेरा हाईली रिकमेंड होगा अगर आप टेक्नो के पोवा सीरीज के इन तीनों स्मार्टफोन में से कोई एक अगर आप लेना चाहते हो तो मेरा हाईली रिकमेंड होगा आप इस टेक्नो पोवा 5 प्रो के लिए जाइए। इसमें आपको लुक्स, डिज़ाइन, RGB लाइट, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ब्राइटनेस, नेट्स और गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिलेगा इन दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। प्रोसेसर भी इसमें ज़्यादा बेटर आता है इन दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें बैटरी आता है कम आता है, 5000 mAh की बैटरी आती है तो ये आपको बैटरी बैकअप कम देगा। टेक्नो पोवा 4 में 6000 mAh की बैटरी है तो ये आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा देगा और इसमें 7000 mAh की बैटरी है तो ये भी आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा देगा। दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में ये स्मार्टफोन आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा देगा टेक्नो पोवा 3। बट ओवरऑल अगर मुझे इन तीनों में से कोई लेना होगा तो मैं यहाँ पर गाइस टेक्नो पोवा 5 प्रो को लूँगा, बिकॉज हाथ में जब आप इसको कैरी करते हो काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आता है। साइड केस में आप देखोगे तो इसमें आपको साइड ग्लॉसी इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलता है। तो मैं दोनों स्मार्टफोन को बिल्कुल भी पिक नहीं करूंगा। तो मैं इतने टाइम से टेक्नो पोवा 3 को यूज कर रहा था लेकिन अभी मैं स्विच करने वाला हूं इस टेक्नो पोवा 5 प्रो में जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रीमियम लुक एंड द RGB लाइट्स और इसमें ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी भी ज्यादा बेटर मिलता है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो गाइस ये था इन तीनों स्मार्टफोन यानी कि टेक्नो पोवा 5 प्रो, टेक्नो पोवा 4 एंड टेक्नो पोवा 3 का कंपैरिजन एंड अनबॉक्सिंग। तो कमेंट में जरूर बताना कि आप तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको अच्छा लगा और कौन सा स्मार्टफोन आप लेने के बारे में सोच रहे हो। इन तीनों स्मार्टफोन को लेकर गाइस मैंने और भी टॉपिक्स कवर किए जैसे आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।